गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारा प्लान है यहाँ से उदयपुर ट्रैवल करने का, तो वही करने जा रहे हैं। हम अर्ली चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से सुबह सुबह बिल्कुल, और चेकआउट बिल्कुल भी आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने बस देखा हमने कुछ ऑर्डर किया था कि नहीं, और उसके बाद हमें रिलीज कर दिया। बस अब चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं टूवर्ड्स उदयपुर। हाँ, तो फिर आज का जो हमारा आइटनरी है वो यहाँ से उदयपुर में, उदयपुर में हमने एक होम स्टे देखा, वहाँ जाने का प्रोग्राम है। उससे पहले हम अजमेर शरीफ होते हुए यहाँ से जाएंगे। तो जब हम उदयपुर पहुँच रहे हैं तो बीच में हम थोड़ा सा डिटूर करके अजमेर शरीफ दरगाह पे भी रुकेंगे, देखेंगे अगर दरगाह खुली होगी तो आपको भी दिखाएंगे दरगाह। और वहाँ से पुष्कर में थोड़ा सा घूम के फिर हम उदयपुर पहुँचेंगे। तो आज हमारी ड्राइव कुछ होने वाली है 450 किलोमीटर के आसपास, जो कि अभी पिछली वाली जो दिल्ली चंडीगढ़ से जब हम जयपुर आए थे तो उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन उसमें रोड बहुत अच्छे थे। चलिए देखते हैं कैसी होती है हमारी आज की जर्नी। और अगर आप नए आए इस चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करें आज की जर्नी। पार्किंग का बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। अपने तीन देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण करा, इस पृथ्वी की रचना ब्रह्मा जी ने करी। लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं भी नहीं तो कोई टेंपल था, नहीं उनका कोई तीर्थ स्थान था। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में गए और विष्णु भगवान से जाके कहते हैं कि मैंने संसार की रचना करी लेकिन कहीं भी मेरा तीर्थ स्थान नहीं है, तो मेरा भी धाम होना चाहिए। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को एक कमल का फूल देते हैं। उस फूल को देखे ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप इस कमल के फूल को जहाँ कहीं भी गिरोगे, ये कमल का फूल आपके हाथ से जहाँ कहीं भी जाके गिरा वहीं आपका तीर्थ स्थान बन जाएगा। फिर झील के बाद अब टाइम है हमें मंदिर जाने का। मंदिर के अंदर कैमरा लाऊंगे, कैमरा हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और डिपॉजिट कराने के बाद हम जाएंगे अंदर घूमेंगे, टेम्पल में दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस उदयपुर के लिए अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करेंगे। और अगर बीच में कुछ और होगा दिखाने के लिए तो आपको जरूर दिखाएंगे। है लंच अपडेट, तो बिल्कुल ही मंदिर के सामने ब्रेकफास्ट ब्रंच अपडेट, तो मंदिर के सामने बिल्कुल एक रेस्टोरेंट है, बहुत साफ सुथरा रेस्टोरेंट है, वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है। तो अगर आप जयपुर से ट्रैवल कर रहे हैं, जूस की शॉप और इसकी पहचान है, बाहर एक जूस की शॉप है, जूस की शॉप के अंदर ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है, साफ सुथरा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ के खाना खा सकते हैं। तो लंच में हमने ऑर्डर किया है सेब की सब्जी, सेब टमाटो अचार और रोटी और लस्सी।
अपडेट, हम पहुंच गए हैं उदयपुर में और जस्ट अभी हमने चेक इन किया। मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ फटाक से और उसके बाद हम अब डिनर करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करेंगे और सोने से पहले आपको हम बताएंगे आज का एक्सपेंस। चलिए रूम टूर ले लेते फटाफट। तो जो रूम हमने बुक किया उसमें हमें मिला है एक डबल बेड, एक छोटा सा सिट आउट एरिया, एक वॉशरूम, एक कबर्ड और टीवी। दैट्स इट। बहुत बड़ा रूम नहीं है बट इट्स फेयर एनफ जो भी हमने इसके लिए पे किया है। तो अब बात कर लेते हैं आज के पूरे दिन की। तो हम सुबह चले थे जयपुर से उदयपुर के लिए और हमने रास्ते में अजमेर शरीफ और पुष्कर दोनों कवर किया। तो बात कर लेते हैं पेट्रोल की। तो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो थोड़ा ज़्यादा तेल खाती है, तो लगभग 2000 रुपए का पेट्रोल लग गया हमारा। और हमने जो ये रूम लिया है, जो हमने यहाँ पे स्टे अब इस टाइम जो लिया हमने उदयपुर में, वो हमने लिया 1100 रुपीज़ पर नाइट का। स्टे का डिस्क्रिप्शन और उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आज का दिन हम यही ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और आयशी का कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं ऑफिस का काम कुछ देख रही है और मुझे भी डेटा ट्रांसफ़र करना है। मैं डेटा ट्रांसफ़र करके फिर आज सोते हैं, कल का दिन उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं इस अमेजिंग जर्नी में तो फटाफट से जाके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिस ना करें। चले मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू इन अनदर ब्लॉग।